हेलो फ्रेंड्स, आपने मेरी लास्ट वीलॉग में देखा होगा उदयपुर के ब्यूटीफुल फतेह सागर लेक में कुछ हमने वाटर स्पोर्ट करे, थोड़ी देर घूमे और फिर हम पहुंच गए एक्वेरियम जो बिल्कुल पास में ही था। अब हम आ गए हैं एक्वेरियम। नीर को देखी थी फिशेस। नीर ये ना बिगेस्ट पब्लिक एक्वेरियम है यहाँ का। अच्छा, उदयपुर। हाँ, एक्साइटेड हो? हाँ। चलो ठीक है, देखते हैं क्या। मैंने भी पहली बार देख रही हूँ। टिकट तो लेनी होती है बेटा। देखो लिखा हुआ है इंडियाज फर्स्ट एक्वेटिक रेस्टोरेंट भी है अंदर और बिगेस्ट एक्वेरियम डे नाइट टूरिस्ट पॉइंट ऑफ उदयपुर है ये। चलो देखते हैं, मेरे को भी काफी एक्साइटमेंट सी हो रही है सही में। इंडियाज फर्स्ट एक्वेटिक रेस्टोरेंट। टिकट्स लेके हमने एंट्री करी और एंटर करते बहुत ही क्यूट सा प्यारा सा एक पॉन्ड था जिसमें कुछ डक्स तैर रही थी आराम से, और उसके बाद स्टार्ट हो गया एक्वेरियम। काफ़ी बड़ा एक्वेरियम है, अभी हमें पूरा एंड तक जाना है और फिर हम राउंड लेके यू टर्न लेके वापस इधर आ जाएंगे। बहुत बड़ा एक्वेरियम है और बहुत ही ब्यूटीफुल है, वेरी ब्यूटीफुल। फिश का है ये तो, वो मैग्नीफाई किया हुआ है शायद। तो फिश का है ये, छोटी सी है मैंने कभी देखी ही नहीं है। नीर और हम इतने ज्यादा एक्साइटेड थे देख के। फ्लोरोसेंट ग्रीन कलर की छोटी 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 सी फिशेज थी, कुछ बड़ी थी और कुछ के कलर्स तो ऐसे थे, डिफरेंट कलर ऑफ कॉम्बिनेशन की फिशेज भी थी। नॉर्मल गोल्ड फिश तो हम देखते रहते हैं लेकिन उसके अलावा ऐसी ऐसी फिशेज थी जो हमने सही में कभी भी नहीं देखी थी। मस्ट वॉच प्लेस है ये, मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगी। बच्चों के लिए तो बहुत ही ऑसम एक्सपीरियंस है लेकिन पेरेंट्स के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा यहाँ पे आने का। सही में एकदम ट्रीट फॉर आइज है ये एक्वेरियम, इतना प्यारा बनाया हुआ है। नीर ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, कितनी सुंदर लग रही है। हाँ ये तो सही में बहुत ब्यूटीफुल है ये। थोड़ी अटैक, वाह बहुत प्यारी लग रही है नीर ये तो, मैं मन ही नहीं कर रहा हटने का। सही में ऐसे लग रहा था कि बस देखते रहो इन फिशेस को। नेक्स्ट सेक्शन में थोड़ी डिफरेंट स्टाइल की फिशेस शुरू हो गई थी दिखनी। आपको नेम पता है क्या इसका? वाओ, नेम तो ब्यूटीफुल है। आई थिंक ये लायन फिश है। नहीं नहीं, लायन फिश तो ऐसी नहीं होती, कितनी यूनिक सी है यार ये तो। बहुत ही डिफरेंट तरीके की फिशेज है यहाँ पे, बिल्कुल यूनिक लग रही है। ये तो नहीं, लेपर्ड फिश है। लेपर्ड फिश है, नाम लिखा होगा। देखो नाम लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ। सारी फिशेज ही कुछ कहना चाहती हैं कि भाई हमें वापस से हमारे को सी या ओशन में छोड़ दो, जो इनका घर है। नहीं ये देखो रेड वाली फिशेस को देखते हुए हम आगे चलते रहे और साथ में और भी इतने सारे बच्चे आ रखे थे एक्वेरियम देखने के लिए। वो जितना खुश हो रहे थे, जितना एक्साइटेड थे, उनको देखो और साथ में फिशेस को देखो तो बिल्कुल डबल मज़ा हो गया था एक्वेरियम का हमारे लिए। एक्वेरियम एक सेक्शन था जिसके अंदर उन्होंने बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ की फ़िशेज़ रखी हुई थी और साथ ही में एक बॉक्स था, उसके अंदर आप जा सकते हो और अपना फोटो सेशन करा सकते हो। ऐसे लगेगा कि आप फ़िशेज़ के बीच में हो। और साथ ही में एक टच पॉन्ड भी था, अगर आपकी डेड स्किन है तो वो फ़िशेज़ खाने के लिए आ जाती थी। लेकिन मेरे को बड़ा डर लग रहा था, थोड़ी देर के लिए मैंने हाथ डाला फिर वापस निकाल लिया था। पूरे एक्वेरियम को देखने के लिए कम से कम 1 से 1.5 घंटा हमें लगा था और कुछ फिशेस तो ऐसी थी कि हम बार बार जा रहे थे उनको देखने के लिए, फिर दूसरी फिश देख रहे थे और फिर दोबारा से उसी फिश को देखने के लिए जा रहे थे। स्पेशली जो कलरफुल फिशेस थी वो बहुत ही प्यारी थी। कभी दोबारा मौका लगेगा उदयपुर आने का तो एक्वेरियम तो हम फिर से ज़रूर आएंगे। खैर एक्वेरियम का टूर हमारा कम्प्लीट हुआ और हम निकल गए वापस अपने होटल के लिए फतेह सागर लेक से होते हुए। रिजॉर्ट पहुंच के थोड़ी देर हमने रेस्ट किया और फिर निकल पड़ा नीर अपने स्विमिंग पूल के लिए। ये दोनों चल पड़े हैं आके स्विमिंग पूल स्विमिंग करने के लिए। मछली बनोगे? आती है आपको स्विमिंग ना? शार्क, पापा शार्क और आप बेबी शार्क? ठीक है, अगर आप करते तो मम्मी शार्क। मम्मा शार्क। रिजॉर्ट तो वैसे ही बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था, जो उसका स्विमिंग पूल था वो भी बहुत अच्छा था, नाम था उसका झरना। आसपास बहुत अच्छी ग्रीनरी थी और बीच में एक झरना बह रहा था और उसके साथ था स्विमिंग पूल।
स्विमिंग पूल के टाइमिंग्स 8 AM to 8 PM थे और हम पहुंच गए थे अराउंड 6:30 PM स्विमिंग पूल पे। तो नीर के पास अराउंड 1.5 आवर्स था आराम से स्विमिंग करने के लिए। एक्वेरियम से आने के बाद नीर इतना ज़्यादा एक्साइटेड था कि खुद ही अब मछली बन गया था। वेरी गुड नीर, वेरी गुड, वेरी गुड। जब थोड़ा अंधेरा होने वाला था स्विमिंग पूल की लाइट्स ऑन हो गई, पूरे रिजॉर्ट की लाइट्स ऑन हो गई थी और जितना रिजॉर्ट और स्विमिंग पूल एरिया ब्यूटीफुल पहले लग रहा था उससे कहीं ज़्यादा सुंदर अब लग रहा था। चारों तरफ लाइटिंग ही लाइटिंग थी, बहुत सुंदर मोमेंट था। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन 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 ट्वेंटी। नीर पूल से बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहा था, ऐसे लग रहा था सारी की सारी स्विमिंग उसने आज ही सीख लेनी है। बहुत ही मुश्किल से बाहर आया। चलो ध्यान से चलना। थैंकफुली वो आ गया बाहर और उसके बाद हम फ्रेश हुए और हम चले गए डिनर करने के लिए। सारा दिन घूम के अब लग रहा था बस फटाफट से डिनर करें और सो जाएं। थोड़ी सी हमने क्रिस्पी वेजिटेबल्स मंगवाई, सैलेड मंगवाया, दाल मखनी और साथ ही में लच्छा पराठा, और नीन ने एज़ यूजुअल अपना पिज़्ज़ा तो मंगवाना ही था वो भी मंगवाया। फटाफट से हमने अपना डिनर कंप्लीट किया और सोचा तो यही था कि बस डिनर करेंगे और जाके सो जाएंगे। लेकिन जैसे ही हम बाहर निकले डाइनिंग एरिया से, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, इतना प्यारा मौसम हो रखा था और पूरा रिजॉर्ट पूरी लाइटिंग से इतना ब्यूटीफुल लग रहा था कि हम थोड़ी देर रिजॉर्ट ही घूमते रहे। अच्छा सा मौसम आराम से इंजॉय करने के बाद फाइनली हम गए अपने रूम वापस। बस ऐसे ही रहा प्यारा सा दिन।